फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम ब्लॉग्स। जो मेरा आज का ब्लॉग है वो है वाटर लेटस। इसे पानी का सलाद भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नाम पिस्टिया है। ये एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत ही आसानी से ग्रो होता है और जितने भी ये जलीय पौधे हैं, जिसको कि हम एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, उनमें से ये सबसे खूबसूरत होता है और ये बड़ी जल्दी ग्रो करता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उनको अगर आप छुएंगे तो बिल्कुल वेलवेट का टच देती हैं। ये किसी भी साइज के पॉट में, पॉन्ड में या फिर एक्वेरियम में बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। हमने इसे ऐसी जगह लगाना है जहां पर कि इसे थोड़ी बहुत धूप भी मिल सके। ये पौधा जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है और पानी में पानी के अंदर जो हमने मिट्टी डाली होती है उसी से ये पोषण लेता है और ग्रो करता है। इसे अगर हम पॉन्ड में ग्रो करते हैं तो इसका फायदा एक ये होता है कि पॉन्ड के अंदर काई नहीं लगती है, ये बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैलता है। अगर आप इसे एक्वेरियम में लगा रहे हैं या किसी तालाब में लगा रहे हैं जहाँ पर कि मछलियाँ हैं, तो इस बात का आप ज़्यादा ख्याल रखें कि जो इसका सरफेस है वो पूरी तरह से ना ढके, क्योंकि अगर पॉन्ड में या एक्वेरियम में ये पूरी तरह से जगह को ढक लेगा तो मछलियों के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हम इसे मदर प्लांट से काफ़ी सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए हमने करना क्या है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और ऊपर से पानी डालना है, और इतना पानी डालना है कि वो जो जड़ें हैं वो आसानी से उस मिट्टी तक पहुँच सके और अपना पोषण ले सके। आप अगर इसे लगाते हैं तो आप देखेंगे कि 2 महीने में ही जो पॉट है वो सारा इन प्लांट से भर गया है, और आगे से आगे आप इन पौधों को और ज़्यादा बर्तनों में लगा के और इसे आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।